चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी यानी ओप्पो जल्द ही इंडियन मार्केट में एक नया स्मार्टफोन सीरीज शुरू करेगी। इस स्मार्टफोन सीरीज में पहला स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है ओप्पो का K1। हालांकि कंपनी ने यह कंफर्म नहीं किया है कि स्मार्टफोन सीरीज में कौन सा पहला फ़ोन रिलीज किया जाएगा, पर कंपनी ने यह साफ किया है, ये कंफर्म किया है कि ये स्मार्टफोन सीरीज जल्द ही शुरू हो सकती है, जिसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल सकता है, और वो भी इसकी जो ओवरऑल प्राइस जो होगी वो काफ़ी कम होगी। ये एक मिड रेंज स्मार्टफोन होगा जो 15 से 20 हज़ार रुपये तक में रिलीज होगा। तो अगर आपको इस स्मार्टफोन के बारे में अधिक जानना है तो वीडियो में बने रहिए। मेरा नाम है अनिकेत और आप देख रहे हैं टेक रिपोर्ट टीवी। जैसा कि फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल साइट पर जो हमें फोटो देखने को मिला उसमें साफ लिखा गया है कि कमाल के फीचर के साथ एक कमाल की प्राइसिंग प्लस एक नया सीरीज शुरू करेगी ओप्पो कंपनी, जिसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को तो मिलेगा ही, क्योंकि ये मिड रेंज स्मार्टफोन होने वाला है 15 से 20 हज़ार रुपये के आसपास में। तो कई लोग ये सोच रहे हैं, कई लीक्स और कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ये ओप्पो का K1 हो सकता है। ओप्पो का K1 पिछले साल अक्टूबर के महीने में चाइना में लॉन्च हुआ था, जिसमें आपको कमाल के फीचर्स के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिला था। वहीं अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की तो ये चाइनीज़ युआन में करीब 1599 रुपये में रिलीज किया गया था, रुपये नहीं चाइनीज़ युआन, जो कि इंडियन रुपीज़ में करीब 16,900 के आसपास में होता है। और ये दाम इसके 4GB और 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज वाले वेरिएंट का था। वहीं इसका एक और वेरिएंट लॉन्च हुआ था चाइना में, जो था 6GB रैम के साथ में 64GB की इंटरनल स्टोरेज, जिसके कीमत करीब 1799 चीनी युआन, उसी को आप कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज़ में तो वह करीब 19,000 के आसपास में पड़ता है। वहीं बात करें K1 के स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इसमें आपको 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिलेगी, जिसमें आपको 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा। कंपनी कहती है कि इसमें आपको 91% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा। इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर देखने को मिला था अपने 2.2 GHz के स्पीड के साथ में। वहीं ओप्पो K1 दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया था चाइना में, 4GB और 6GB रैम के साथ में, जिसमें आपको दोनों ही में 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिली थी। बात करें इसके कैमरे की तो इसमें आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिला था, जिसमें प्राइमरी सेंसर था 16 MP का और एक 2 MP का सेकेंडरी सेंसर था। बात करें इसके फ्रंट यानी सेल्फी कैमरा की तो यह 25 MP का सेल्फी कैमरा इस फ़ोन में आपको मिला था। वहीं बात करें बाकी सारे फीचर्स की तो इसमें आपको सारे फीचर्स दिए गए थे कनेक्टिविटी के ऑप्शन, जैसे 4G वोल्टी, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, GPS, AGPS, ग्लोनास, सारे फीचर इसमें दिए गए थे। और इस स्मार्टफोन का सबसे बड़ा जो फीचर था वो था इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि इतने कम प्राइस में भी आपको कंपनी दे रही थी। ये सेंसर जो था एक ऑप्टिकल सेंसर था, और इस फ़ोन में आपको 3600 mAh की बैटरी दी गई थी, फास्ट चार्जिंग नहीं मिली थी इसमें आपको, जो कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी है। अब बात करें इसके लॉन्चिंग को लेकर तो ये कभी भी लॉन्च हो सकता है फरवरी के मिड के अंदर में, तो हमें ये जल्दी देखने को मिलेगा ओप्पो का K1। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, इसके प्राइसिंग और इसके स्पेसिफिकेशन में आपको कौन सा बातें अच्छी लगी। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है हमारे चैनल को लेकर या इस वीडियो को लेकर तो नीचे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम उसे अपना कर आपको बेहतर कॉन्टेंट प्रोवाइड करा सकें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।